हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये तीज का ब्लॉग है और मैं बहुत लेट हो गई हूँ इस ब्लॉग को डालने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे फ़ोन में आजकल स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से ना तो मैं वीडियो शूट कर पा रही हूँ और ना मैं अपलोड कर पा रही हूँ। सो थोड़े से मैं वीडियो मैंने तीज वाले दिन शूट किए थे, वो भी दूसरे मोबाइल में, लेकिन एडिट और अपलोड करना मुझे अपने मोबाइल से था। सो स्पेस के प्रॉब्लम की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। तो ये शाम का टाइम है जब मैं तैयार हो गई थी और मैंने पूजा के लिए सारा सामान तो सजा लिया था। स्पेस की वजह से मैं ज़्यादा लंबा कोई वीडियो बना नहीं पाई, मैंने सारी तैयारी कर ली थी। उसके बाद सोचा कि लास्ट में थोड़ा सा वीडियो बना लूँगी। तो ये रहा मेरा तीज का वीडियो। और इसके बाद नेक्स्ट डे तो गणपति पूजा होता है और मेरे यहाँ तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन मैं उस दिन भी कोई वीडियो अच्छे से शूट नहीं कर पाई, सेम प्रॉब्लम। तो बस लेट हो गई हूँ और आज अपलोड कर रही हूँ। तो एंजॉय करिए आप लोग भी। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वश्रेष्ठ जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। एकानन चतुरानन पंचानन राजे,
ओम जय शिव ओंकार।